गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मस्त। तो आप सब लोगों ने जो यूनिट टेस्ट का कोर्स है हमारा, अ से अह मात्रा के शब्द और जॉइंट सेपरेट, कलर्स नेम, फ्लावर्स नेम, बाराक्षर तो आपको पहले से ही आती है, पर फिर भी हम इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि बाराक्षर हमको अच्छे से समझ में आए और हम वो रीडिंग करने में आसानी रहे। तो चलो मेरे साथ देखिए वर्कशीट। वर्कशीट वन में हम देखेंगे बाराक्षरी। बाराक्षरी में जैसे क और क दोनों ऐसे दिया होगा और आपको लिखना है, क्या लिखना है? क के बाद क्या आएगा? का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, कम, क। उसके बाद झ से, झ बाप के बाद झा, जी, जी, जू, जू। नेक्स्ट है जे, जई, जो, जौ, जम, ज। तो नेक्स्ट त, त के बाद त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तई, तो, तौ, तम, त। उसके बाद र, र में र, रा, री, री, रु, रु, रे, रै, रो, रौ, रम, र। तो ये है बाराक्षर। आपको अपने जो एग्जाम पेपर में जब लिखो तब नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखना। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू में। शब्द में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे डेस किया हुआ होगा, उनमें से आपको लिखना है कमर, अमर, नमन। तो इसके जो लास्ट में करेंगे करम। तो ऐसे चार वर्ड हम कोई भी, सिर्फ उसमें कोई मात्रा नहीं है और वो वर्ड मीनिंगफुल भी होने चाहिए। उसके बाद छोटी ही और बड़ी, छोटी ही और बड़ी मात्रा अपना शब्द, वो दोनों साथ में पूछे जाए तो आप कैसे लिखोगे? छोटी ही और बड़ी मात्रा के शब्द जब साथ में पूछे जाए तो उनमें से कोई भी मात्रा के शब्द आप लिख सकते हो, जैसे कवि, रवि, शिव, गीता, कोई भी शब्द लिख सकते हो। उसके बाद ए मात्रा ना शब्द, ए मात्रा ना शब्द में, ए मात्रा ना शब्द में तो चार वर्ड उसके अंदर आप क्या लिखोगे? ए, मेघ, महल, केरम, ऐसे करके आप चार वर्ड में कोई अलग अलग शब्द लिखने हैं। ओ मात्रा ना शब्द, ओ मात्रा ना शब्द मां, ओम, ओजार, मोर, घोड़ो, ऐसे करके कोई भी चार वर्ड या पांच वर्ड। तो आपको फाइव वर्ड तो लर्न करने ही है मात्रा के शब्द में, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं मात्रा के शब्द में से कलर के नेम, जॉइन एंड से। मात्रा के शब्द हमने देखे, अब हम देखेंगे रंगना नाम। तो इसके अंदर कलर्स के हैं, कोई भी चार कलर आप लिखोगे, लाल, नीलो, पीलो, बादली, ब्लू। उसके बाद फ्रूट, फूल ना नाम, कोई भी चंपो, मोगरो, जासू, बारमाशी। उसके बाद जॉइन द लेटर, तो क प्लस म प्लस र तो क्या होगा? कमर। ज प्लस आ की मात्रा प्लस द तो क्या बोलेंगे? जाड। क प्लस व प्लस व में ई की मात्रा प्लस द प्लस आ, आ की मात्रा तो कविता। क वी कविता। ब प्लस क प्लस र प्लस ई की मात्रा बकरी। ग प्लस उ की मात्रा प्लस र प्लस उ की मात्रा क्या बोलेंगे हम? ग में उ की मात्रा लगेगी तो गु रु, या गु र में उ की मात्रा और ग में उ की मात्रा। ब प्लस ह प्लस ए की मात्रा प्लस न तो ब हे ना। न प्लस ए की मात्रा प्लस ए प्लस आ की मात्रा नहीं या।
फर्स्ट है अमर, अमर को अ प्लस म प्लस र, राम र प्लस आ की मात्रा प्लस म, ब में ई की मात्रा बिल, तो ब पहले ब लग लिखेंगे, ब प्लस ई की मात्रा प्लस ल, मीता, म प्लस ई की मात्रा प्लस त में आ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, काजू क प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस ऊ की मात्रा, भूख भ प्लस ऊ की मात्रा प्लस ख, रमेश र प्लस म प्लस ए की मात्रा प्लस स, कोयल क प्लस ओ की मात्रा य प्लस ल, कौरव कौरव में क प्लस ओ की मात्रा प्लस र प्लस व, चंप च प्लस अंग की मात्रा प्लस प प्लस ल, चंपल। तो ये है आपने देखा, तो जो मार्कशीट भेजू आप अपनी रफ नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ओके। आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप गुड हैंड राइटिंग से आपकी रफ नोटबुक में अच्छे से लिखना, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।